Welcome back friends. In this tutorial we study start editor option. Start editor हम कैसे काम करेंगे, ठीक है, उससे हम कैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे ग्राफिक एरिया में। तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फर्स्ट रो में यहाँ पे टूल बार में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टार्ट एडिटर ऑप्शन मिलेगा, इसको खोलेंगे। ठीक है, जो जो अभी मैं खुल के किया हूँ, स्टार्ट स्पेस देन स्टार्ट जॉब इन्फॉर्मेशन देन फिनिश, फिनिश से यहाँ पे जो फिनिश लिखा है इससे ऊपर ऊपर का लाइन में काम करना है। तो पहले यहाँ पे आते हैं, उसको ऊपर लाइन एंटर करना है, देन सिक्स नंबर पॉइंट में यहाँ पे आपको डालना है। मुझे क्या करना है अभी, मुझे जॉइंट्स कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाना है। यहाँ पे पहले जॉइंट्स कोऑर्डिनेट बनाते हैं देन बीम ड्रॉ करते हैं, मेंबर को ड्रॉ कर सकते हैं। जॉइंट कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको यहाँ पे कमांड लिखना पड़ेगा जॉइंट कोऑर्डिनेट्स, जे एंटर किया जॉइंट कोऑर्डिनेट्स आ गया ऑलरेडी मेरा, देन आपको सिर्फ एंटर करना है। ठीक है, देन क्या करना है, फिर से एंटर करना है, कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू डालना है आपको, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट जो होता है वो सारे वैल्यू डालना है। अभी इसमें एक्स वाई जेड में काम करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं अभी सिर्फ एक्स वाई में काम करना चाहता हूँ। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में काम करना चाहता हूँ, सिर्फ मुझे एक्स वाई में वैल्यू देना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, पहले पहले यहाँ पे मुझे लिखना है नोड नंबर वन या जॉइंट नंबर वन, देन स्पेस डालना है यहाँ पे। स्पेस के बाद आपको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट पॉइंट रहता है, मान लीजिए ओरिजिन है हमारा 0,0,0। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जीरो टाइप करना, जीरो करना है, देन स्पेस फिर से जीरो, यहाँ पे सेमी कॉलोन का तो एंड करने के लिए सेमी कॉलोन डालना पड़ेगा, फिर से स्पेस देना है, फिर से और एक कोऑर्डिनेट पॉइंट मतलब नंबर टू। ठीक है, देन स्पेस डालना है, नंबर टू का वैल्यू कितना रहेगा, मैं सिर्फ एक्स वाई में काम करना है तो मुझे एक्स तो जीरो रहेगा, मान लीजिए मुझे वाई में चाहिए फाइव, तो फाइव डाल दिया, देन स्पेस फिर से जीरो, देन थ्री नंबर पॉइंट नो नंबर थ्री सेमी कॉलन देंगे, देन यहाँ पे डालेंगे वैल्यू थ्री, नो नंबर थ्री का वैल्यू कितना रखना चाहता हूँ, फिर से स्पेस देंगे जीरो, नहीं मुझे ये चाहिए फाइव, एक्स में फाइव चाहिए तो फाइव स्पेस जीरो, देन एंटर करना है। तो क्या होगा, अभी एक कोऑर्डिनेट मेरा दो तीन कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया, एक ओरिजिन में हो गया, एक आपका 050 मतलब वाई में फाइव और एक्स में फाइव। ठीक है, तो मेरा तीन कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑलरेडी बन गया है। ठीक है, फिर से मुझे चाहिए तो यहाँ पे भी टाइप करके बना सकते हैं, मान लीजिए मुझे फोर नंबर पॉइंट चाहिए तो यहाँ पे फोर लिखेंगे, स्पेस देंगे, ठीक है स्पेस बोलना नहीं है, स्पेस देन फोर, फोर के बाद क्या लिखना है, स्पेस मुझे और एक पॉइंट चाहिए फाइव, एक्स में फाइव वाई में फाइव डालना है। ठीक है, तो मुझे एक्स में फाइव वाई में फाइव स्पेस देना है, देन जीरो, देन आपको सेमी कॉलन, देन एंटर करना है। ठीक, तो एंटर ऑलरेडी हो गया है मेरा, थी बैक स्पेस एक देना है। ठीक है, यहाँ भी बैक स्पेस एक देना है, देन ये इतना तक हो गया। इस करने के बाद यहाँ मान लीजिए अभी मुझे इतना देखना है, ये चार नोड पॉइंट मेरा बना कि नहीं, एक जो ऑरिजिन में, देन एक एक्स एक्स वाई में फाइव, एक्स में फाइव, देन एक एक्स में फाइव वाई में फाइव, वो पॉइंट चार पॉइंट मेरा बन गया कि नहीं। तो इसको हम फाइल में जाके यहाँ पे सेव ऑप्शन मिलेगा आपको, सेव ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये मेरा फाइल सेव हो गया। अभी इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज करने के बाद देखते हैं यहाँ पे मेरा सेव हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे आपको जब ये पेज कंट्रोल बार में सेटअप में रहोगे, नोड पॉइंट शो नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको ज्योमेट्री पेज कंट्रोल बार में आना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है आपको अभी ग्राफिक एरिया में मेरा, यूजर इंटरफेस में मेरा अभी चार नोड पॉइंट हो गया। ये एंगल की तरह क्यों दिख रहा है, मुझे एक्स वाई प्लेन में काम किया हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स वाई इस तरह भी, तो एक्स वाई प्लेन में हम काम किए हैं। तो मुझे क्या करना है, इसको फ्रंट यहाँ पे सारे व्यू टूल बार है, ठीक है व्यू चेंज करना है फ्रंट में। देखो अभी सीधा दिखा, तो पहला वाला मेरा ओरिजिन, देन एक्स में वाई में फाइव दिया था ये वाला पॉइंट, ठीक है देन ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है चार पॉइंट बन गया मेरा, एक्स में फाइव वाई में फाइव और एक, देखो ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से भी, यहाँ पे आपको देखो बाय डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट्स भी पुट हो गया है यहाँ पे, जब मैं स्टार्ट एडिटर में काम किया हूँ दोनों इंटरलिंक है तो इसलिए यहाँ पे भी टाइप हो गया है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, अभी मुझे चार नोड पॉइंट को ज्वाइंट करना है। ठीक है, मुझे ऐसे बीम बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो पहले मैं व्यू चेंज कर देता हूँ, व्यू आपका आइसोमेट्रिक व्यू में आ जाता हूँ। ठीक है, ज्योमेट्री पेज में
तो मुझे फिर से स्टार एडिटर में जाना है, स्टार एडिटर ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, फिर से जाना है। मुझे क्या करना है अभी, बीम मेंबर बनाना है। यहाँ पे मेंबर मतलब स्टार्ट प्रो समझता है, बीम कॉलम कोई भी मेंबर होगा उसको मेंबर मान लेता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चार पॉइंट है, ठीक है। तो चार पॉइंट में बनाए, ये मेरा नोड नंबर 1, ये 2, ठीक है, ये मेरा 3 है, ये 4 है। कैसे पता चला, यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। ये नोड नंबर 1 है, दिख रहा है आपको, नोड 1 में सिलेक्ट किया हूँ, नोड 2, नोड 3, अदरवाइज हम ऐसे नोड कर्सर से, यहाँ से नोड कर्सर लेके नोड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैं ये सिलेक्ट किया, नोड नंबर 2 हाईलाइट हुआ, नोड नंबर 1 सिलेक्ट हुआ, नोड नंबर 1 हाईलाइट हुआ, ठीक है। ऑल्सो वी शो हियर नोड पॉइंट नोड नंबर, कैसे राइट क्लिक करना है यहाँ पे आपको, देन यहाँ पे लेबल्स में जाना है, लेबल्स के बाद यहाँ पे नोड नंबर को चेक करना है, देन ओके करना है। देखो अभी शो किया नोड नंबर 1, 2, 3, 4। अभी मैं आ जाता हूँ फिर से स्टार्ट एडिटर में। स्टार्ट एडिटर में क्या करना है, यहाँ पे जॉइंट कोऑर्डिनेट बन गया था, देन यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। देन मुझे क्या करना है, मेंबर इंसिडेंट्स, यहाँ पे आपको मेंबर बोलते हैं, बीम कॉलम कोई भी मेंबर को मेंबर बोलते हैं, ठीक है, कॉलम को भी मेंबर ही बोलेंगे, स्टार्ट प्रो लैंग्वेज में ऐसे रहता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, मेंबर इंसिडेंट्स टाइप करूँगा, इसका कमांड है MAMBER, ठीक है। जब स्पेस देंगे ऑप्शन आ जाएगा इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स में आपको क्लिक करना है, ठीक है, देन एंटर करना है, ठीक है। तो मेंबर इंसिडेंट्स आपको क्या करना है, तो मुझे अब फिर से आते हैं ये विंडो में, मिनिमाइज करके मुझे 1 के साथ 2 ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो बीम नंबर 1 होगा मेरा, इन 1 के साथ 2 ज्वाइंट होगा, देन 2 के साथ 4, ठीक है, देन 4 के साथ 3। तो फिर से मैं स्टार्ट एडिटर में आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले लिखना है बीम नंबर 1, मान लीजिए मेंबर को मैं मान लाता हूँ बीम, ये बीम है मेरा, ठीक है, बीम, देन स्पेस देना है आपको किसके साथ, किसको, 1 के साथ 2 को ज्वाइन करना है, तो 1 स्पेस 2, ओके, 1 स्पेस 2, देन आपको क्या करना है, ठीक है, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पेस डालना है, ठीक है, फिर से एक सेमी कॉलम देना है जैसे कोऑर्डिनेट्स में दिए थे, देन स्पेस, और भी मेरा बीम नंबर 2 है तो 2 लिखना है, यहाँ पे फिर से स्पेस देना है, देन मुझे क्या करना है, किसके साथ किसको ज्वाइन करना है, देखो यहाँ पे मुझे 2 के साथ 4 को ज्वाइन करना है, ठीक है, 2 के साथ 4 पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 के साथ 4, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 देन स्पेस देन 4 एंड फिर से सेमी कॉलन देना है, ठीक है, देन फिर से स्पेस देना है, नंबर बीम क्या है, 3 नंबर बीम, मैं 3 बीम बनाना चाहता हूँ, ठीक है, 2 के साथ 4 हो गया, देन क्या है, 4 के साथ, ये देखो 4 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट के साथ 3 नंबर पॉइंट मुझे ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4 स्पेस देना है 4 देन स्पेस 3 देन सेमी कॉलन करना है और कुछ नहीं, हो गया मेरा ये। अभी अभी सर जो एंटर कर दिया था इसको बैक स्पेस दे के हम लोग काट देंगे, तो यहाँ पे लास्ट में रहेगा फिनिश, देन यहाँ पे आपको फाइल में आना है, देन इसको सेव करना है, देन इसको क्लोज करना है, क्लोज, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा लोड हो जाएगा, देन ये पूछा यूनिट है, ओके करके यहाँ पे सेटिंग हो गया, आ जाएगा, देखो देखो नोड नंबर 1 से 2 ज्वाइंट हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 3 हो गया। हम लोग कोऑर्डिनेट मेथड से भी कर सकते हैं, ये आपका स्टार एडिटर मेथड में मैं बनाया ये बीम, ठीक है, ये भी ऐसे इंक्लाइंड है, क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू में व्यू आपको चेंज कर सकते हो, ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू, ये आपका बॉटम व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ठीक है, बैक व्यू, ये फ्रंट व्यू, ठीक है, फ्रंट व्यू से देखो आप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको कर्सर मिलता है, ठीक है, मेंबर के लिए बीम, के लिए बीम कर्सर, नोड के लिए नोड कर्सर, नोड पॉइंट मुझे सिलेक्ट करना है तो नोड ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, नोड कर्सर से, देन फिर से यहाँ पे बीम जाके बीम कर्सर से बीम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अदरवाइज राइट क्लिक करके आपको कर्सर मिल जाएगा, सिलेक्ट कर्सर, नोड कर्सर, बीम कर्सर, प्लेट कर्सर, प्लेट वन एंड क्रिएट, ठीक। तो यहाँ पे अब इतना देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास सीखेंगे हाउ टू क्रिएट कोऑर्डिनेट मेथड, कोऑर्डिनेट मेथड यूज करके कैसे हम बनाएंगे बीम कॉलम, ठीक है, ओके, थैंक यू।